हेलो थ्रियन फैमिली, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप कि आप सभी लोग बढ़िया हो गए और आप सभी लोगों को बढ़िया होना भी चाहिए। तो कुछ छोटी मोटी इन्फॉर्मेशन मैं आपको देना चाहूंगा, जिसमें से फर्स्ट इन्फॉर्मेशन ऐसी है कि हो सकता है कि नाइट को वीडियो ना आए, इसलिए क्योंकि मैं दोस्तों के साथ हैंग आउट के लिए जा रहा हूँ। मतलब कॉलेज से निकलने के बाद हम सभी लोग अलग अलग हो गए थे, तो आज का डे डिसाइड किया एक बार फिर से सभी लोग का मिलने का और बैठ के वही पुरानी बातों और यादों को याद करने का। तो हो सकता है कि मैं घर वापस टाइम से ना लौट पाऊँ, क्योंकि फ्रेंड्स के साथ हैंग आउट तो फिर आपको पता ही है, साथ ही वीकेंड का टाइम है। साथ ही हो सकता है कि वीडियो आ भी जाए, क्योंकि अगर मैं आ गया तो फिर मैं किसी भी हालत में आऊँ मैं वीडियो जरूर बनाऊंगा। मैं भी बड़ा नहीं, छोटा ही सही, लेकिन मैं बनाऊंगा। तो दोनों पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, तो किसी भी चीज को कन्फर्म मत मानना। हाँ, मॉर्निंग का वीडियो ये आपको मैं टाइम पे देके चला जाऊंगा, क्योंकि मुझे टाइम से निकलना है तो वीडियो भी टाइम पे बनाना पड़ेगा। तो हो सकता है ये वीडियो आप लोग को जल्दी मिल जाए, तो ये बैड खबर भी आपको जल्दी ही मिल गई होगी। साथ ही इस एपिसोड में अब हम देखते हैं एल्यूजन की जर्नी। तो पहले मैं आपको पिछला एपिसोड शॉर्ट में बता देता हूँ। पिछले एपिसोड में हमने कुल मिला के देखा था कि जियो यान एल्यूजन के पास पहुंच गया था और जियो मैन से निकलते ही सभी को ये न्यूज मिल गई थी कि जियो यान बाहर निकला है। जहाँ पे पिल पैलेस में डिस्कशन चलता है कि जॉन की पावर कितनी है, तो सब वही बता दे फोर स्टार लेटेस्ट एज। वही सोल डेमन क्लेन और शैडो लीक में भी यही अनाउंस हो गया था, जिसके बाद हमने देखा था कि जियो यान ब्लड केव एल्यूजन के पास पहुंचता है तो वहाँ उसके साथ एक बंदा चीफ हो जाता है, जो पहले तो मुझे कुछ खतरनाक प्राणी लग रहा था, लेकिन वास्तव में ये खतरनाक प्राणी अपनी एक अलग ही स्टोरी लेके चल रहा था। साथ ही वो बंदा जियो यान को चार लोगों से मिलवाता है जो चार सुपर जीनियस थे, लेकिन पांचवा उनक्लेन का बंदा तो भूतों की तरह गायब था, तो पता ही नहीं था। साथ ही डैंडिंग से मिलने के बाद जिंग बूचेन थोड़ा सा उदास हो गया था, क्योंकि भाई उसकी गर्लफ्रेंड को उसने चुरा लिया था। ऐसा दोस्त तो हर कोई बनना चाहता है, कौन दोस्त नहीं चाहता कि अपने दोस्त की गर्लफ्रेंड को चुरा ले। वास्तव में इस बंदे ने चुरा लिया। हालांकि जिंग बूचेन उसे उकसाकर उसे पनिशमेंट दिलाने ही वाला था कि उसकी सिस्टर ने उसे रोक दिया था। जेफ्यूजन कहता है क्या ये डिंग बिंग ज्ञान है, और इसके बाद मैं एपिसोड एंड कर देता हूँ। तो ये एपिसोड स्टार्ट होगा जस्ट वहीं से। इस टाइम पे जिंग बूचेन को उदास देखकर जुआन तुरंत ही चट्टान की तरह तेजी से कदम आगे बढ़ाकर जिंग बूचेन के सामने सीधा खड़ा हो जाता है। साथ ही जुआन डैन बिंग्यान के चेहरे पे हल्की सी कॉन्फिडेंट स्माइल देख सकता था। हालांकि तभी जिंग बूचेन जुआन को बचाते हुए कहता है यह यंग मास्टर का बिजनेस है, तुम्हें इंटरफेयर करने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि उसे डर था कि डैन बिंग्यान के कारण जियो यान को भी प्रॉब्लम हो सकती है। साथ ही बंदे को तो प्रेशर फील हो ही रहा था। तभी जुआन कहता है ये तुम्हारे अकेले के बारे में थोड़ी है, और जियो यान जिंग बूचेन के सामने से बिल्कुल नहीं हटता। तभी जिंग बूचेन कहता है आप उन्हें अपमानित करने का जोखिम नहीं उठा सकते, ये डैंडियान के लोग हैं, आपके लिए प्रॉब्लम हो सकती है। तभी जुआन कहता है धन्यवाद मुझे याद दिलाने के लिए कि ये डैंडियान के लोग हैं। जिसके बाद जुआन तुरंत ही कहता है तुमने अभी अभी कहा कि हम दोनों फ्रेंड हैं, तो मैं अपने फ्रेंड को छोड़कर कैसे पीछे हट सकता हूँ। जो देखकर जिंग बूचेन कहता है वो तो मैंने बस लापरवाही से कहा था, क्या तुम वास्तव में इस पर विश्वास करते हो, यहाँ से पीछे हट जाओ, वो पिल पैलेस के लोग हैं। इस टाइम पे जिंग बूचेन ईमानदारी से जुआन को अपने मामले में शामिल नहीं करना चाहता था, क्योंकि उसे लगता था कि जुआन के लिए यह बोझ होगा। तभी जुआन कहता है मुझे यह नकली फ्रेंड असली फ्रेंड नहीं पता, मुझे सिर्फ फ्रेंड पता है। और इसके बाद जुआन जिंग बूचेन को इग्नोर करते हुए सामने की तरफ देखता है। चाहे जिंग बूचेन ने जुआन को कितना भी धक्का दिया हो, जुआन अपनी जगह से एक इंच भी टसमस नहीं होता। जिसके बाद जुआन डैन विंग्यान की तरफ देखता है, जो धीरे धीरे वहीं पे चलते हुए आ रही होती है, और इसके बाद वो पलक झपकते चलते हुए डैंडिंग के सामने आ गई होती है। साथ यहाँ पे डैन बिंग्यान बिना कुछ बोले सभी लोगों के सामने खड़ी हुई होती है, और जियो यान और जिंग बूचेन को इम्प्रेशन लेस तरीके से देख रही होती है। साथ ही जुआन को भले ही लगा हो कि डैन बिंग्यान उसकी तरफ देख रही है, लेकिन जुआन को बिल्कुल भी ये फील नहीं हो रहा होता। जुआन को तो लग रहा होता है ये लड़की बिल्कुल ऐसी है जैसे मोह माया त्याग दी हो, और दुनिया की कोई भी चीज इसका इंटरेस्ट किसी भी चीज में नहीं जगा सकती। इतना ज्यादा इम्प्रेशन लेस होना वास्तव में काफी प्राउड की बात थी, क्योंकि बहुत ही कम लोग थे जो चीजों से इफेक्टिव नहीं होते थे। इसका रीजन तो आप सभी को पता ही है, अकेले में रिट्रीट कर करके बेचारी की आदत ऐसी हो गई है। हालांकि यहाँ पे डैंडियान से डरने वाले लोग काफी दूर से ही इन लोगों को देख रहे होते हैं। साथ ही सभी को जियो यान लोंगी और जिंग बूचेन के लिए बुरा लग रहा होता है कि ये बंदे तो मुसीबत में पड़ गए, और डैंडियान के एक्सपर्ट के तौर पर डैन बिंग्यान यहाँ पे इन्हें अब मौत की सजा सुनाएगी और कहेगी इन्हें सूली पर चढ़ा दो। तभी कोई तारीफ करते हुए कहता है ये तीनों लोग काफी ज्यादा टैलेंटेड लगते हैं, वो डैंडियान से भी नहीं डरते। तभी कोई इमोशनल होते हुए कहता है कोई फर्क नहीं पड़ता कि यहाँ पे क्या हुआ, सेकंड यंग मार्शल को नाराज करने के बाद इनमें से कोई भी जिंदा नहीं रहेगा। तभी कोई और भी कहता है हाँ तुमने सही कहा, ये तो कहने की ही बात नहीं है कि डैन बिंग्यान कितनी पावरफुल है। और दूसरी तरफ डैंडियान का सेकंड यंग मास्टर अगर केवल अपना हाथ उठाकर कहता है तो अनगिनत लोग उसके लिए अपनी लाइफ को सेक्रीफाइस करने के लिए लड़ने को तैयार हो जाएंगे, और अगर ये तीनों लोग एल्यूजन के अंदर एंटर हुए तो ये तो खत्म होने वाले हैं। तभी एक बंदा कहता है लेकिन मैं अभी भी इन तीनों की तारीफ करता हूँ, इस बच्चे को देखो वो इतनी छोटी उम्र के साथ ही फोर स्टार के पीक लेवल पर है, साथ ही वो तो अपने मुंह में कैंडीज को ऐसे खा रहा है जैसे कि यहाँ पे कुछ हुआ ही ना हो, सब कुछ बढ़िया चल रहा है, और उसका तो किसी चीज से कोई लेना देना ही नहीं। और ऐसा कहते हुए ये लोंगी को देख रहे होते हैं, सालो वो 9 मिस्टीरियस लाइटिंग ड्रैगन है, वो अगर अपनी ओरिजिनल बॉडी में आ गया तो इनकी पैंट गीली और पीली एक साथ होगी। उसको कह रहे हैं छोटा सा बच्चा जो लॉलीपॉप खा रहा है, इन्हें नहीं पता वो बच्चा अच्छो अच्छो का बाप है और उसका बाप सबका बाप है।
तभी एक और बंदा कहता है, बात तो सही है, साथ ही वो आदमी जो भिखारी जैसा लग रहा है, पावर तो उसकी भी बुरी नहीं है। हालांकि घबराहट के कारण उसका चेहरा पीला हो गया है, लेकिन एल्केमी पैलेस के अनबीटेबल टैलेंटेड पर्सन के सामने खड़े होकर भी खुद को शांत रखना सच में काफी बड़ी तारीफ की बात है। तभी बंदा कहता है, जिसकी मैं वैसे सबसे ज्यादा तारीफ करूंगा वो काले कलर के कपड़े पहने हुए ये लड़का, मुझे लगता है यही सबसे ओरिजिनल पावर होनी चाहिए। साथ ही इसे कोई फ्रेशर ही फील नहीं हो रहा, वो तो ऐसे खड़ा है जैसे उसे किसी भी चीज से कोई फर्क ही नहीं पड़ता और डैन बिंग्यान उसके लिए कोई खतरा ही ना हो। हालांकि कोई नहीं जानता था कि डैन बिंग्यान ने इन लोगों की बातें सुनी है या नहीं, लेकिन यहाँ पे इस सीन को सभी लोग काफी ज्यादा क्यूरियस तरीके से देख रहे होते हैं। हालांकि तभी डैन बिंग्यान कहती है, जियो डैंडिंग, तुम सही हो या गलत मुझे फर्क नहीं पड़ता, ना ही मैं ये पूछना चाहती, मुझे उम्मीद है तुम अपने मामले सुलझा सकते हो, लेकिन यहाँ पे हम फाइट नहीं कर सकते, तो यहाँ अपनी पावर बर्बाद मत करो और तब तक वेट करो जब तक हम एल्यूजन के अंदर एंटर नहीं हो जाते। और इतना कहने के बाद वो मूर्ति है जियो यान जियो डेम जियो वूचैन जियो यान जिंग बूचैन और डैंडिंग से बिना कुछ कहे तुरंत ही चली जाती है, जैसे कि इन छोटे छोटे मामले में वो अपनी एनर्जी बर्बाद नहीं करना चाहती। तभी लोग तारीफ करते हुए कहते हैं, डैन बिंग्यान कितनी ज्यादा कोल्ड है और टैलेंटेड पर्सन, उसने एक भी स्ट्रिक्ट वर्ड नहीं कहा लेकिन उसने सबको धमका दिया। तभी दूसरा बंदा कहता है, बेहतर होगा भगवान से प्रार्थना करो कि हम इससे ना मिले। तभी डैंडिंग भी अपने पैर पटकते हुए कहता है, उम्मीद करना कि तुम मुझसे में एल्यूजन के अंदर ना मिलो वरना, और इतना कहते हुए डैन बिंग्यान के पीछे पीछे चला जाता है। दूसरा जॉन अपनी आंखें से खोलकर डैन बिंग्यान की पीठ को देख रहा होता है, साथ ही उसके टैलेंटेड बिहेवियर और पर्सनालिटी की जॉन दिली दिल में तारीफ भी करता है, लेकिन जॉन को पता था कि वो दोनों एनिमी है और इस बात को तो बिल्कुल भी नहीं बदला जा सकता था, जरा सा भी नहीं बदला जा सकता था। तभी जिंग बूचैन अपनी छाती को थपथपाते हुए कहता है, जैसा मैंने सुना था डैन बिंग्यान वैसी ही है, उसके नाम की चरह बिल्कुल उदासीन इमोशनलेस इम्प्रेशन लेस, जिसके बाद वो तुरंत ही कहता है, ब्रदर जियो आपको मेरी वजह से इसमें शामिल नहीं होना चाहिए था, ब्रदर जियो आपको पता होना चाहिए कि पिल पैलेस कितना खतरनाक है और आखिरकार मेरे जैसा इंसान जो अपने लव को प्रोटेक्ट नहीं कर सकता वास्तव में आपकी फ्रेंड से उसके लायक बिल्कुल भी नहीं है, और ऐसा कहते हुए बेचारा अपना ही मजाक उड़ा रहा होता है। तभी जान कहता है, बूचैन इसके बारे में चिंता मत करो, और यहाँ बात डांडियान की नहीं है, ये सिर्फ इनका ईगो है, इनका भूत तो मैं जरूर उतारूंगा, और जियोन ऐसे रिएक्ट करता है जैसे कुछ भी ना हुआ हो। तभी जिंग बूचैन कहता है, ब्रदर जियोन अब आपका एक एहसान मुझ पर हो गया, और इसके बाद कहता है, चलो मुझे लगता है कि अब ब्लड केव का गेट ओपन होने वाला है तो हमें तैयारी करनी चाहिए, हम नहीं जानते कि जब हम एल्यूजन में इंटर होंगे तो वहाँ की लॉबी और इंटरफेस कैसा होगा। सालो जल्दी इंटर हो, मैं भी देखना चाहता हूँ कि अंदर का इंटरफेस कैसा है। तभी जॉन कहता है, ठीक है, और लॉन्गी का हाथ पकड़कर तुरंत ही चौराहे के कोने की तरफ जाने लगता है और एल्यूजन के खुलने का इंतजार करने लगता है। तभी अचानक रात की अंधेरे से चुपचाप सुबह धीरे धीरे होती है और वहाँ पे पिलर अचानक ही ग्लो करते हुए एक ब्लड रेड पोर्टल ओपन करता है जिससे स्कारलेट रेड लाइट निकल रही होती है, और उसके बाद वो पोर्टल धीरे धीरे घूमता हुआ एक पावरफुल बीस्ट की फिगर में बदल जाता है जो कि एल्यूजनरी बीस्ट होता है। तभी जान तुरंत ही कहता है, कम से कम इसके पास 7 स्टार के पीक लेवल पर होनी चाहिए, साथ ही वो इस एल्यूजन का गार्डियन बीस्ट होना चाहिए, जो देखकर जिंग बूचैन कहता है, गार्डियन बीस्ट वो भी इतना पावरफुल, आखिरकार ये किस ट्राइब से बिलोंग करता है। तभी एक आवाज गूंजती है, जिक्सी ग्रेट फॉरेस्ट एल्यूजन ओपन होने वाला है और यहाँ पे एक ही नियम है कि अंदर कोई नियम नहीं, मारो काटो जीतो पियो खून पियो जियो जो करना है करो अंदर जाओ और मरो। और इसके बाद वो जो गोल्ड फ्लोर बना हुआ था उसके ऊपर तुरंत स्कारलेट रेड लाइट से ब्लड पोर्टल ओपन होने लगता है, जो कि ब्लड लाइट पोर्टल ओपन होता है तो चारों तरफ ब्लड मिस्ट और क्रूअल एनर्जी फैलने लगती है जो कि काफी खतरनाक और इविल होती है। और उस गेट के ओपन होते ही भीड़ में वो लोग जो लंबे समय से इंतजार कर रहे थे तुरंत ही उड़ते हुए उस गेट के अंदर चले जाते हैं, क्योंकि ये लोग घात लगाकर अटैक करने के लिए एक अच्छी जगह ढूंढना चाहते थे और अपने आप को छिपाना चाहते थे। दूसरा जियोन यहाँ पे इतनी जल्दी में नहीं होता, बल्कि जियोन स्टैचू के ऊपर शील्ड के अंदर कैओस इमॉर्टल को देखता है जो कि अभी भी आराम से लेटा हुआ होता है। तो जियोन कहता है, क्या ये अंदर एंटर नहीं होने वाला क्या? साथ ही वो उतना टेंशन फील लग रहा होता है कि उसे जैसे इन लोगों की कोई फिक्र ही ना हो, उसे लग रहा था कि ये लोग उसके लिए कोई भी खतरा नहीं है। तभी जिंग बूचैन भी जियोन की नजरों को फील करते हुए कहता है, वास्तव में कैओस इमॉर्टल की तारीफ तो मैं भी करता हूँ, वास्तव में पर्सन काफी मिस्टीरियस और एक्स्ट्राऑर्डिनरी है। तभी जियोन स्माइल करते हुए लाइट गेट की तरफ इशारा करता है और जिंग बूचैन से बातचीत करने लगता है। तो जिंग बूचैन कहता है, क्या हम लोग अभी नहीं जा रहे? तभी जॉन कहता है, इतनी जल्दी क्यों है? तभी जॉन यहाँ काफी रिलैक्स लग रहा होता है। तभी जिंग बूचैन कहता है, उस एरिया में सबसे पहले जाकर हम उस जगह को देख सकते हैं और एटमॉस्फेयर को पहचान कर हम सिचुएशन का फायदा उठा सकते हैं। और ये देखकर कि अब चौक में बहुत कम लोग बचे थे, जिंग बूचैन थोड़ा सा टेंशन में होता है। तभी जॉन कहता है, आप इतने टेंशन में क्यों है? क्या आप नहीं देख रहे कि अभी भी बहुत सारे लोग हैं जो अंदर नहीं जा पाए? तो आराम करिए। जिस पे जिंग बूचैन गुस्सा होते हुए जॉन से कहता है, वे सभी लोग वो टैलेंटेड लोग हैं, उनके पास अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए काफी सारे गार्ड हैं, लेकिन मुझे परवाह नहीं कि मैं कब अंदर जाता हूँ, हमारे पास कोई भी गार्ड नहीं है, हम सिर्फ 2 लोग हैं,
क्या आप चाहते कि हम दूसरों के सामने हीरो बनने की कोशिश करें? तो क्या ये मौत को दावत देने जैसा नहीं होगा? साथ ही क्या आप इस बच्चे पे भरोसा करते हैं? आपको लगता है ये बच्चा हमारी कोई मदद कर पाएगा? जिस पे लॉन्गी तुरंत कहता, बेवकूफ, मुझे बच्चा कहने की हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? खींच के रेपटा मारूंगा, 4 दिन गला सही नहीं होगा, ढंग से बोल नहीं पाओगे, मुंह खोल नहीं पाओगे। इस टाइम पे तो लॉन्गी बौखला गया होता कि साला हमको बच्चा बोल रहा है। हालांकि जॉन तुरंत ही उसे खींचते हुए कहते, भाई शांत हो जा। लेकिन लॉन्गी की खतरनाक नाराजगी ने तो जिंगबू चैन को भी डरा दिया था, इसलिए वो तुरंत ही कहता, वाह, मुझे उम्मीद नहीं थी कि ये बच्चा वास्तव में इतना चिड़चिड़ा होगा। साथ ही उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो लॉन्गी की ओर से आखिरकार डर क्यों गया था। तभी जॉन लॉन्गी को जिंगबू चैन के साथ फाइट ना करने का इशारा करता है। हालांकि तभी जिंगबू चैन देखता है कि डैंडियान के लोग भी आखिरकार उस पोर्टल के अंदर एंटर हो रहे थे, और डैन बिंगयान और बाकी सभी लोग को अंदर जाता हुआ देखकर जिंगबू चैन थोड़ा सा उदास हो जाता है और कुछ भी नहीं कह पाता। तभी जॉन कहता है, अरे भाई इसमें डरने की क्या बात है? साथ ही मैंने सुना है कि एल्यूजन में एंटर होने के बाद जिन जगहों पे हमें टेलीपोर्ट किया जाता है वो अनप्रेडिक्टेबल होती हैं, तो हम उनसे नहीं मिल सकते, और इसके अलावा जो होना है वो तो होगा और जो नहीं होना वो बिल्कुल नहीं होगा, तो परेशान क्यों होते हो? तभी जिंगबू चैन कहता है, वास्तव में मुझे समझ में नहीं आ रहा कि तुम्हारा ये कॉन्फिडेंस आता कहाँ से है और तुम इतना कॉन्फिडेंट होते कैसे हो। जिसके बाद वो अपने बालों को रगड़ते हुए कहता है, कोई बात नहीं, मैं भी एक दिन खूब मेहनत करूंगा और तुम्हारी तरह ही कॉन्फिडेंट पर्सन बनूंगा और एक अच्छा इंसान। तभी जॉन कहता है, तुम्हारा कॉन्फिडेंस वास्तव में इतना लो है? बाद में क्यों, अभी क्यों नहीं? जिस पे जिंगबू चैन कहता है, अगर ऑनेस्टली कहूं तो अगर ये सिर्फ डैंडिंग होता तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं उससे जरा सा भी नहीं डरता, लेकिन अगर उसके साथ डैंडियान के लोग, उनका मुझे सामना करना पड़ा और खास तौर पर डैन बिंगयान जिसकी तो मैं बात ही नहीं कर रहा, तो मेरे पास भागने के अलावा कोई मौका नहीं होगा। साथ ही तुम लोग, अगर तुमसे भी ये मिलते हैं तो अपनी जान बचाकर वहाँ से भाग जाना, चलो अब हमें अंदर चलना चाहिए। तभी जॉन कहता है, तो आपके अकॉर्डिंग हम दोनों आपका बोझ होने चाहिए जिनके कारण वास्तव में आप भाग नहीं पाएंगे? जिस पे जॉन चैन तुरंत ही कहता है, नहीं ब्रदर जियो, मैं ऐसा नहीं कहना चाहता, मुझे लगता है कि कहीं आप मेरी वजह से अपनी जान न गवा दें, क्योंकि डैन पैलेस के लोग मेरा पीछा जरूर करेंगे और मुझे डर है कि उस टाइम पे आप लोग भी खतरे में पड़ जाएंगे, इसलिए आपको जोखिम नहीं लेना चाहिए। साथ ही डैंडिंग वो बच्चा अपना बदला जरूर लेगा और वो हमें जाने नहीं देगा, और अगर हम उनसे मिलते हैं तो हमारी मौत पक्की। साथ ही मुझे नहीं लगता कि आप दो लोग अपने बैकग्राउंड के साथ पेल पैलेस का सामना कर सकते हैं। तभी जॉन उसकी बातों को सुनता है तो उसकी आंखें तुरंत ही ग्लो होती हैं, और जॉन ने देखा था कि अब चौराहे पर केवल कुछ दर्जन ही लोग बचे थे। साथ ही इसी बातचीत के दौरान जॉन देखता है कि अब केवल कुछ दर्जन लोग ही बचे हैं, और ये लगभग वैसा ही था जैसा जॉन ने सोचा था, क्योंकि अब यहाँ पे सभी टैलेंटेड लोग थे, साथ ही उनके गार्डियन अब तक उनके साथ नहीं गए थे। तभी जॉन लॉन्गी को खींच लेता और जिंगबू चैन को एल्यूजन के पास बुलाता है, जिसके बाद जोया और उसके तीनों के तीनों लोग लाइट पोर्टल के ऊपर कदम रखते हैं और तुरंत ही वहाँ पे गायब हो जाते हैं। हालांकि जोयान के वहाँ पे जाते ही कैओस इमॉर्टल, जो कि स्वस्थ पड़ा हुआ था, अचानक ही उस एरिया में देखते हैं जैसे उसे कुछ फील हुआ हो, और जॉन की गायब होती हुई बॉडी को देखकर वो दिली दिल में काफी तारीफ करता है। हालांकि लाइट की इन रेस के साथ जॉन और बाकी सभी लोग की आंखें बंद हो जाती हैं, और इसके बाद धीरे धीरे उनके सामने की जगह चेंज हो जाती है, साथ ही उनके माथे पर हाफ मून का एक मार्क दिखाई देने लगता है। साथ ही जैसे ही जॉन आसमान की तरफ देखता है तो वहाँ पे धूप वाला दिन और सूरज नहीं होते, बल्कि घनी अंधेरी रात होती है। साथ ही आसमान में ब्लड मून लटका हुआ होता है। साथ ही चारों तरफ ऐसा लग रहा था मानो रेड मिस्ट फैली हुई हो, जिसने पूरे ही एल्यूजन को ढक रखा है। तभी ब्लड मून को देखते हुए जोयान का दिल शांत हो जाता है, लेकिन उसे इस ब्लड मिस्ट से थोड़ा सा चिड़चिड़ापन फील हो रहा था। साथ ही साथ उसकी बॉडी में अचानक से लड़ने की बौखलाहट पैदा होने लगती है। तभी जिंगबू चैन कहता है, मून की तरफ मत देखो, जिससे जॉन तुरंत ही अपनी नजर मून से हटाता है और उसकी दिल की धड़कन धीरे धीरे शांत होती है। साथ ही जॉन की पीठ में तो ठंडा पसीना बहने लगा था। तभी जिंगबू चैन कहता है, ब्लड मून वास्तव में आपके एट्रीब्यूट और क्वालिफिकेशंस को इफेक्टिव कर सकता है। जिसके बाद वो तीनों लोग एल्यूजन के पीक पर होते हैं, साथ ही साथ वो एक नजर में अपने सामने सब कुछ देख सकते थे, और उनके सामने एक काफी बड़ी एलिप्स के आकार की वैली होती है। साथ ही ये पूरी की पूरी वैली क्लाउड और मिस्ट से घिरी हुई थी, साथ ही काफी धुंधली दिखाई दे रही थी। साथ ही इस जगह पर कोई मैजिकल बीच दिखाई नहीं दे रहा था। साथ ही जैसा कि लोगों ने उम्मीद की थी कि यहाँ पे हरी भरी हरियाली होगी, घंटा हरियाली नहीं होती बल्कि चारों तरफ पीली रेत फैली हुई होती है, जिसने पूरे एरिया को घेर रखा था। साथ ही हर तरफ मौत का सन्नाटा और माहौल काफी डेंजरस होता है। तभी जॉन इस एरिया को देखकर कहता है, एल्यूजन वास्तव में एक डेड प्लेस होना चाहिए जो कि लोगों को इतने हाई क्वांटिटी में मारता है। मैंने तो सोचा कि मैं अंदर आऊंगा तो मुझे मैजिकल बीस्ट का झुंड और रेयर मेडिसिनल इंग्रेडिएंट मिलेंगे, कौन जानता था कि यहाँ पे कई सौ मील तक कोई हरियाली ही नहीं होगी बल्कि हर तरफ केवल बादल ही बादल होंगे। साथ ही जॉन यहाँ पे खुद से ही शिकायत कर रहा होता है। तभी जिंगबू चैन जॉन की तरफ देखता है, वह देखते हुए कहता है, वारक्राफ्ट रेयर मेडिसिनल इंग्रेडिएंट, ये सिर्फ एल्यूजन का बॉर्डर एरिया है, अब तुम यहाँ पे किस तरीके के मैजिकल बीस्ट और रेयर मेडिसिनल इंग्रेडिएंट देखना चाहते हो? एल्यूजन के अंदर एंटर होने के बाद तुम चाहे जितने चाहे उतने मॉन्स्टर्स को देख सकते हो और जितनी चाहे उतनी हर्ब्स पा सकते हो, लेकिन मुझे डर है कि अगर तुम उन्हें मार नहीं पाए तो उन हर्ब्स को भी तुम चुन नहीं पाओगे। जो देखकर जॉन तुरंत ही अपना सेल लाता है कि
वास्तव में जिंग बूचन लगता है इस जगह के बारे में बहुत कुछ जानता है। इसलिए जॉन कहता है, ब्रदर बूचन, क्या आप मुझे बता सकते हैं क्या यहाँ पे गोस्ट भी है? जो यान की बात को सुनकर जिंग बूचन जॉन को ऐसे देखता है जैसे वो किसी एक ऐसे पर्सन को देखता है जो कुछ भी नहीं जानता, या कोई ऐसा इडियट पर्सन जो हेवन और अर्थ की पावर को नहीं समझता। जिसके बाद जिंग बूचन अपने सिर को ठोकते हुए कहता है, मैं इतना बदकिस्मत क्यों हूँ, मुझे यही बंदा मिला था दोस्ती करने के लिए। जो देखकर जॉन कहता है, क्या हो गया, क्या ये सिर्फ एक नॉर्मल सा क्वेश्चन नहीं है, क्या ये कोई बड़ी बात है? तभी जिंग बूचन कहता है, ओह ऐसा नहीं है कि मैं बताना नहीं चाहता, लेकिन मुझे लगता है कि सचमुच में तुम कंफ्यूज हो जाओगे। साथ ही साथ किलिंग ब्लड केव जैसी जगह पर आप ये जाने बिना कि अंदर क्या चल रहा है दो लोगों के साथ आने की हिम्मत करते हो। जो देखकर जॉन हंसते हुए कहता है, अच्छा तुम भी तो अकेले आए हो। जिस पे जिंग बूचन कहता है, तुम मुझसे अपना कंपेरिजन करते हो, तुम्हें पता है यहाँ आने से पहले मैंने 5 सीनियर से डिटेल में इस जगह के बारे में पूछा था जो पहले ही इल्यूजन में एंटर हो चुके थे। जिसके बाद सभी टाइप के पॉसिबल सिचुएशंस के बारे में मैंने सोचा, और उसके बाद मुझे लगा कि मेरी फर्स्ट रैंक के भागने की स्किल को देखते हुए मुझे अपनी जान बचाने में कैपेबल होना चाहिए, इसीलिए मैंने यहाँ पे आने की हिम्मत की। जिसके बाद वो जो यान की तब देखते हुए कहता है, तुम्हारे बारे में क्या, अगर तुम इस जगह के बारे में कुछ नहीं जानते कुछ नहीं समझते तो क्या तुम यहाँ पे खुद को मौत के घाट उतारने के लिए आए हो? लेकिन जिंग बूचन के इस बात पे जॉन कोई भी रिप्लाई नहीं करता, बल्कि वो केवल जिंग बूचन को देखता रहता है। जिस पे जिंग बूचन एक लंबी आय भरते हुए कहता है, अपनी उम्र देखो, तुम अभी बहुत छोटे हो और ऐसा नहीं लगता कि तुम अभी तक अपने बॉर्डर पर पहुंचे हो। तुम्हारी कल्टीवेशन स्पीड को देखते हुए मुझे लगता है कि काफी सारे लोग हैरान हो जाएंगे। साथ ही आप यहाँ पे केवल 2 लोग हैं, आपके पास कोई गार्ड नहीं, साथ ही इस जगह पर कोई भी आपको जानता भी नहीं, जिससे मैं उम्मीद कर सकता हूँ कि आपके पास ज्यादा बैकग्राउंड सपोर्ट नहीं होगा। इसलिए मैं सचमुच में हैरान हूँ कि आप वास्तव में यहाँ आने का जोखिम उठाते हैं। तभी उसकी बात को सुनते हुए जॉन स्माइल करते हुए कहता है, मैं केवल इतना जानता हूँ कि यह जगह फुल टू किलिंग से भरा हुआ है और यह कल्टीवेट करने के लिए एक अच्छी जगह है, साथ ही एक्सपीरियंस के लिए भी। तो मैं यहाँ आकर ट्रेनिंग करना चाहता हूँ, लोगों को मारना चाहता हूँ और अपना पसीना और दूसरों का खून बहाना चाहता हूँ। जो देखकर जिंग बूचन कहता है, क्या तुम अपनी जिंदगी से खेल रहे हो? जिसमें जॉन कहता है, कुछ पाने के लिए कुछ तो खोना ही पड़ता है, अगर स्ट्रांग बनना है तो खतरा तो लेना ही पड़ेगा, आखिरकार कौन बैठे बैठे सक्सेसफुल हो सकता है? जिसमें जिंग बूचन कहता है, ठीक है मैं तुम्हारी इस बात से एग्री हूँ, लेकिन तुम्हें ये तो पता होना चाहिए कि आखिरकार अंदर क्या है। तभी जॉन कहता है, अब तुम मेरे साथ हो तो क्या मुझे इस चीज की भी फिक्र करने की जरूरत है? जिसपे जिंग बूचन कहता है, इसीलिए तो मैंने कहा कि मैं बदकिस्मत हूँ कि मैं तुमसे मिला, तुम 2 लापरवाह लोगों से, और आप लोगों के चक्कर में मैं खुद को बचाने की पॉसिबिलिटी को अब 100% नहीं मानता, क्या आप ये बात जानते हैं? जिसपे जॉन मजाक करते हुए कहता है, ठीक है इतनी सी बात, तो आप इस एल्यूजन के बारे में मुझे डिटेल में बता सकते हैं, उसके बाद हम अपने अपने रास्ते चले जाएंगे। जिसपे जिंग बूचन कहता है, क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड जितना बेवफा हूँ जो तुम्हें छोड़कर चला जाऊंगा? भूल जाओ, वैसे भी मैं पहले ही आ चुका हूँ, इसलिए मैं आपको वही बताऊंगा जो मैं जानता हूँ। साथ ही पहली चीज, मैं आपके साथ रहूंगा और वो सब कुछ बताऊंगा जो मुझे पता है, और दूसरी चीज, जब लगभग मैं समझ चुका होगा कि मैं अपनी लाइफ को नहीं बचा सकता तब मैं वहाँ से भागूंगा अपनी लाइफ को बचाने के लिए, इसलिए मुझे बेईमान होने पर दोष मत देना, ना ही मुझे इस चीज के लिए ब्लेम करना। जिसपे जॉन हंसते हुए कहता है, ठीक है मुझे पता है। साथ ही जॉन को उसका यह लहजा काफी पसंद आया था कि साला जो बोलता है मुंह पे बोलता है। जिसके बाद जिंग बूचन जो यान और लॉन्गी को ब्लड केव के बारे में भी डिटेल में बताता है जो जो उसे पता था। वो बताता है, ब्लड केव को 3 रियलम्स में डिवाइड किया गया है, आउटर, इनर और कोर। कोर मतलब सबसे डीप एरिया, या कि सबसे मेन या प्रीसियस या इम्पोर्टेंट एरिया। जिसके बाद वो बताता है, आउटर एरिया में कोई भी मैजिकल बीच नहीं है और कोई भी मेडिसिनल हब भी नहीं, केवल यहाँ पे इनर एरिया की तरफ जाने वाली सड़कें हैं, और जो भी इल्यूजन में एंटर होता है उन्हें इसी रास्तों को फॉलो कर इनर एरिया की तरफ जाना होता है, क्योंकि अगर आप अभी भी आउटर एरिया में रहे और इल्यूजन बंद हो गया तो आप आउटर एरिया के अंदर ही डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। साथ ही इल्यूजन के अंदर आने का मेन मोटिव बीस्ट को मारना, उनके कोर को इकट्ठा करना, मैजिकल हब्स को इकट्ठा करना और कुछ रेयर चांसेस को तलाशना, साथ ही यहाँ पे इनफाइनाइट किलिंग के माध्यम से अपने कल्टीवेशन को फास्ट करते हुए ब्रेक थ्रू करना। इसलिए आउटर एरिया पे रहने का कोई भी मतलब नहीं है, और अगर तुम आउटर एरिया में रहना चाहते हो तो इससे बेहतर होगा कि यहाँ पे आना ही नहीं चाहिए। तभी जॉन कहता है, इसका मतलब आउटर एरिया में तो कोई हत्या नहीं होती। जिसपे जिंग बूचन कहता है, लेकिन ब्लड मून के इफेक्ट के कारण आप अपने आप को जरूर मार सकते हैं। जिसके बाद वो कहता है, इनर एरिया काफी ज्यादा बड़ा है, साथ ही डी जो से ज्यादा छोटा नहीं है, साथ ही वहाँ पे जो मॉन्स्टर्स उसमें सबसे लो लेवल का मॉन्स्टर 5 स्टार डाउडी पर होगा, साथ ही मेडिसिनल हब हर जगह बिखरी हुई है, साथ ही साथ यहाँ पे काफी सारे रेयर बीस्ट की केव भी है जिसे डाउडी कॉन्टिनेंट के अंदर रेयर कहा जा सकता है, और यहाँ अनगिनत केव्स है, कोई नहीं जानता उन केव्स के अंदर क्या है और आपको कौन सा चांस मिल जाए। हो सकता है कि 3 अजीब मिस्टीरियस चीजें भी आपको वहाँ पे मिल जाएं, लेकिन बेशक वहाँ पे कोई भी कभी भी किसी को भी मार सकता है, उससे उस चांस को छीनने के लिए, उसके ट्रेजर्स को लूटने के लिए ये सबसे आसान तरीका होता है। जिसके बाद आता है मेन कोर एरिया, या कि मेन एरिया या मेन लैंड, जो कि इनर एरिया है।
साथ ही इनर बॉर्डर के कंपैरिजन में ये लेयर बाय लेयर बहुत नीचे है। वहाँ पे जो बीस्ट है वो काफी ज्यादा पावरफुल है और जो इंग्रेडिएंट है और हर्ब्स वो काफी ज्यादा रेयर, साथ ही चांसेस भी काफी ज्यादा है, तो बेशक वहाँ पे मारे जाने वाले लोग भी ज्यादा होंगे। साथ ही अगर मैं कहूँ तो एल्यूजन का रियल एक्सपीरियंस आपको केवल कोर में ही मिलेगा। साथ ही कोर के निचले एरिया में सेंटर पर एल्यूजनरी स्क्रीन से ढका हुआ एक छोटा सा मंच भी है जो एल्यूजनरी गार्डियन बीस्ट से प्राइज प्राप्त करने का स्थान है। साथ ही साथ एक बार एल्यूजन का टाइम खत्म होने के बाद 10 पावरफुल लोगों को जो सबसे बेस्ट हैं और सरवाइव कर पाए हैं उन्हें कोर के अंदर छोड़कर बाकी बचे हुए लोगों को बाहर टेलीपोर्ट कर दिया जाता है। साथ ही बचे हुए 10 लोग जो अंदर गार्डियन बीस्ट के पास रुकते हैं, गार्डियन बीस्ट उन्हें अपने हिसाब से प्राइजेस देता है, जो सुनकर जॉन कहता है गार्डियन बीस्ट, जिस पे जॉन कहता है यहाँ का माहौल तो सच में काफी इंटरेस्टिंग है। साथ ही एल्यूजन की जानकारी मिलने के बाद जॉन काफी सेटिस्फाइड था, लेकिन अभी भी कुछ पॉइंट थे जिस पे जो यान कंफर्म नहीं था, जिसके बाद जॉन कहता है हम सबसे टैलेंटेड कैसे हो सकते हैं और टॉप 10 में कैसे शामिल हो सकते हैं। जो देखकर जैन बुचैन कहता है क्या तुम भी अभी भी इस चीज के बारे में सोच रहे हो, चुपचाप अपनी जान बचाने के लिए कोई अच्छा सा मूड सोचो, कुछ हाई रैंक के मेजिकल कोर इकट्ठे करो, रेयर मेडिसिनल हब्स इकट्ठे करो, तुम किस्मत वाले होते तुम्हें कुछ ट्रेजर मिल जाएंगे, बाहर जाकर उन्हें अच्छी कीमत पर बेचो और आराम से जिंदगी जियो। जहाँ तक बात रही गार्डियन बीस्ट के गिफ्ट की, हर किसी के लिए नहीं है, तुम जैसे और मुझ जैसे के लिए तो बिल्कुल नहीं। तभी जॉन कहता है लेकिन बता तो सकते हो, आखिरकार बात करने में क्या ही बुराई है। जो सुनकर जिंग बुचैन कहता है तुमने सही कहा, समझाने में कोई बुराई नहीं, कम से कम तुम्हें पता तो चल जाएगा कि जब तुम किसी को देखते हो तो तुम्हें भागना किस तरफ है। तुम्हें पता है इसे किलिंग ब्लड क्लेव क्यों कहा जाता है, इसलिए क्योंकि यहाँ पे आप जितने ज्यादा लोगों को मारेंगे आपका प्रदर्शन उतना ही ज्यादा अच्छा माना जाएगा। दूसरा जॉन ने इसका अंदाजा पहले ही अपने दिल में लगा लिया था, लेकिन जिंग बुचैन की बात सुनते हुए वो काफी ज्यादा हांफते हुए हैरान हो जाता है। तभी जॉन कहता है क्या ये एल्यूजन हर तरफ लोगों को मारने और उनका शिकार करने के लिए मजबूर नहीं कर रहा, ये कैसा डिसीजन हुआ। तभी जिंग बुचैन कहता है एल्यूजन में मारने के लिए किसी को ढूंढना इतना प्रॉब्लम वाला नहीं है, जिसके बाद वो अपने हाथ से जो यान और लोंगी के माथे पे हाफ मून को टच करते हुए कहता है एल्यूजन में रहने वाले हर किसी इंसान के पास फोरहेड पर हाफ मून का ये प्रिंट होगा। जिस पे जॉन कहता है इसका क्या फायदा है, साला अलग अलग चीजें मिल रही है, बताओ हमको क्या इसके कारण ब्लड मून का इफेक्ट हमारे ऊपर होगा। जिससे जिंग बुचैन तुरंत ही तारीफ करते हुए कहता है समझदार तो हो, हालांकि तुमने सही अंदाजा लगाया, इस हाफ मून का यही मेन काम है, लेकिन इसका एक और भी काम है, ये आपकी किलिंग को काउंट करता है। जिस पे जॉन कहता है तुम इसे कैसे कह सकते हो, जिस पे बुचैन कहता है हर बार जब तुम किसी पर्सन को मारोगे तो तुम्हारे इस मून का जो कलर है वो रेड होता जाएगा, साथ ही जितना ज्यादा डार्क रेड होगा वो उतने ही ज्यादा लोगों को मार चुका होगा, साथ ही अगर ये ब्लैक हो गया तो इसका मतलब है कि आपने बहुत सारे लोगों को मार डाला है। तो जॉन कहता है साला ये तो बेईमानी है, हमसे लोगों को मरवा रहा है कुछ गिफ्ट देने के चक्कर में, और वो भी गिफ्ट केवल उन्हीं लोगों को मिलेगा जिनने लोगों को मारा है, तो मरने वालों का क्या। जियान झिझक रहा था कि गार्डियन बीस्ट को ऐसा नहीं करना चाहिए कि ये दोगली हरकतें कर रहा है। तब जो यान इस तरह की इम्प्रेशंस को देखकर जिंग बुचैन अपनी आंखों में तारीफ तो करता है। तभी चैन जॉन की तरफ देखते हुए कहता है जरूरी नहीं कि तुम्हें बहुत सारे लोगों को मारना हो, तुम कम लोगों को मारकर भी सबसे आगे हो सकते हो। जिस पे जॉन कहता है कैसे, जिस पे जिंग बुचैन कहता है देखो हर बार जब तुम किसी पर्सन को मारोगे तो उसके द्वारा मारे गए लोगों की जो गिनती होगी वो तुम्हारे ऊपर काउंट होगी और तुम्हारे फोरहेड का कलर अपने आप ही बदल जाएगा। जो सुनकर तो जॉन अपने दिल में झिझकना बंद कर देता है और तुरंत ही कहता है ओ बेटे की जान तो ये मामला है, फिर ठीक है। तभी जिंग बुचैन कहता है हमें जितना पॉसिबल हो सके ब्लैक मार्क वाले लोगों से बचना चाहिए, क्योंकि वो अपनी पावर को बढ़ाने के लिए और जीतने के लिए हो सकता है हमें मार दे, साथ ही हम लोगों को नहीं मारेंगे, क्योंकि अगर हमने लोगों को मारा और हमारा हाफ मून रेड हो गया तो हो सकता है कि मजबूत लोग हमें मारने के लिए हमारा पीछा करें, इसलिए जितना ज्यादा पॉसिबल हो सके उतने मॉन्स्टर्स को मारो और जितना हो सके रेयर मेडिसिनल इंग्रेडिएंट को इकट्ठा करो और अपनी किस्मत को आजमाओ कि क्या तुम्हें कोई ट्रेजर मिल सकता है और इतना कि क्या तुम जिंदा बाहर आ सकते हो। जो सुनकर जॉन स्मार्ट कहते हो कहता है अरे इतनी सी बात, जैसा तुम कहो, मैं काफी क्यूरियस हुआ ब्लड केव को देखने के लिए तो चलो चलते हैं। और इतना कहने के बाद जॉन लोंगी को खींचता है और जिंग बुचैन के साथ एक्साइटेड होकर आउटर एरिया से इनर एरिया की तरफ उड़ने लगता है। हालांकि यहाँ पे ज्यादातर लोग तो ब्लड मून के इफेक्ट के कारण अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल नहीं कर पाए थे और वहीं पे अपनी जान गवा बैठे थे, तो कुछ लोग ऐसे मून के इफेक्ट के कारण आपस में ही लड़ने लगे थे। हालांकि दूसरी तरफ जोयान जिंग बुचैन और बाकी सभी लोग नीचे के सीन को देखते हैं तो नीचे लाशें जमीन पे बिछी पड़ी होती हैं, खून की नदियां बह रही होती हैं, ये पूरी वैली कांप रही होती है। और जॉन जब इन सब सीन्स को देखता है तो उसकी तो आंखें लाल हो जाती हैं, जिसके बाद जॉन के हाथ के इशारे के साथ वो तीनों लोग एक साथ नीचे की तरफ बढ़ जाते हैं। हालांकि रास्ते में बिखरे हुए खून, जमीन में फैले हुए डेड बॉडी और लोगों को लड़ता हुआ देखकर जोयान और उसका ग्रुप अपनी स्पीड थोड़ा सा बढ़ा देते हैं, जिसके बाद बीच में हमें एक स्टोन फ्लोर दिखाया जाता है जहाँ पे खून से सने
टूटे हुए बॉडी पार्ट और हाथों के साथ तीन नीले कपड़े वाले ह्यूमंस खड़े हुए होते जो जोर जोर से हांफ रहे थे। साथ ही अभी अभी लड़ाई से भागे हुए लान में ही क्लेन के तीन मेंबर्स थे जो अभी भी सब कॉन्शियस हालत में होते हैं, मतलब आधे बेहोश। हालांकि जैसे ही वो जोयान और बाकी के तीन लोगों को देखते हैं तो तुरंत ही काफी ज्यादा स्ट्रेसफुल होकर बिना किसी हिचकिचाहट के जोयान और बाकी लोगों पर अटैक कर देते हैं। हालांकि तभी इन्हें अपनी तरफ आते हुए देखकर जोयान भी नाराज हो गया था और इसके बाद जोयान अपना पंच कसकर इन पे अटैक करने ही वाला था कि तभी अचानक पीछे से सिप की आवाज आती है और धूल उड़ती है और जिंग बूचेन, जिसने कहा था कि उसकी भागने की स्पीड बहुत ज्यादा तेज थी, वो वास्तव में बिना किसी चीज की परवाह किए हुए सभी चाकुओं से बचता हुआ लैंड में ट्रैप के लोगों को उनके गले से उठा लेता है। साथ ही लेमेन क्लेन के लोगों को साफ तौर पर ये उम्मीद तो नहीं थी कि जिंग बूचेन की स्पीड इतनी ज्यादा तेज होगी और वास्तव में उनके पास डॉच करने तक का टाइम नहीं था। साथ ही देखते ही देखते उनकी पूरी बॉडी ढीले पड़ जाती है और वो डेड बॉडी में बदल कर जमीन में गिर जाते हैं। हालांकि एक को निपटाने के बाद जिंग बूचेन ने बाकी के दो अटैक पर भी अटैक कर दिया था और लाइट की स्पीड के साथ उनमें से एक का गला काट देता है और दूसरे को भी सेम ही टेक्निक से मार देता है। और इसके बाद जिंग बूचेन उनकी तीनों की स्ट्रोजिंग लेकर उन्हें लात मारते हुए लोंगी और जोयान के पास आ जाता है। साथ ही वो गुस्से से जोयान और लोंगी की तरफ देखते हुए चिल्लाते हुए कहता है, तुम दोनों खड़े होकर कैसे देख सकते थे? क्या तुम यहाँ आ नहीं सकते थे मेरी मदद के लिए? तभी जोयान काफी ज्यादा मासूमियत से कहता है, अगर हमारे पास इससे पहले कोई कदम उठाने का टाइम होता, आपने अटैक कर दिया था और उनका काम तमाम कर दिया था। और इसके बाद जोयान जिंग बूचेन के मुंह के मार्क को देखता है जो हल्का सा रेड हो गया होता है। तभी जिंग बूचेन भी कुछ टाइम के लिए शॉक हो जाता है और इसके बाद वो कहता है, लगता है मैं कुछ ज्यादा ही जल्दबाजी में था, लेकिन आप लोगों को भी इतने ज्यादा शांति से खड़ा नहीं होना चाहिए था, कम से कम कोई स्टेप तो आगे बढ़ाना चाहिए था। जिंग बूचेन की बात को सुनकर जोयान और लोंगी दोनों काफी ज्यादा नाराज होते हैं। तभी जोयान कहता है, वैसे आप सच में काफी टैलेंटेड हैं, आपकी पावर 4 स्टार के पीक लेवल पर है और आपने 3 4 स्टार पीक लेवल के वॉरियर्स को इतनी जल्दी मार दिया। ऐसा लगता है कि हर किसी के लिए डांडियान के सेकंड बेटे का फ्रेंड बनना आसान बात नहीं है। तभी जिंग बूचेन कहता है, मैं अपनी अलर्टनेस के लिए बस कोनों में घूमना चाहता हूँ, लेकिन मेरे पास कोई दरवाजा नहीं है और आपके चक्कर में मैं अब चौराहे में खड़ा हूँ जहाँ कहीं से भी कभी भी मेरे ऊपर अटैक हो सकता है, इसीलिए मैंने आप लोगों के लिए यहाँ पे एक स्टेप आगे बढ़ाया था ताकि आप लोग को चोट ना लगे। तभी जिंग बूचेन को चिढ़ाते हुए जोयान कहता है, हमने थोड़ी कहा था कि तुम आगे जाकर एक्शन लो, ये तो तुम्हारी खुद की मर्जी थी। तभी जिंग बूचेन कहता है, तो क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारे साथ चलने के लिए भीख मांग रहा हूँ? तभी जोयान कहता है, इतना भी मत घबराओ, ना ही इतने नाराज हो, मैं बस क्यूरियस था और कुछ नहीं। साथ ही जोयान जिंग बूचेन की आइडेंटिटी को लेकर सच में काफी क्यूरियस होता है कि उसके पास इतने सारे स्किल है, वो इतना अजीब है, इतने अजीब तरीके से कपड़े पहनता है। डांडियान का सेकंड लड़का बेटा वास्तव में उसका फ्रेंड था और उससे नफरत करता है, यहाँ तक कि उसने उसकी वाइफ तक को छीन लिया, तो ऐसा कैरेक्टर होना कोई नॉर्मल पर्सन के बस की बात तो नहीं थी, इसकी भी अपनी एक कहानी होनी चाहिए। तभी जिंग बूचेन कहता है, ठीक है, मैं तुम्हारी ये प्योर आंखों को देखकर वास्तव में तुमसे चीजें नहीं छिपाना चाहता, इसलिए मैं तुम्हें बताता हूँ, मैं डाउडी कॉन्टिनेंट में पैदा हुआ हूँ, मेरे फादर ह्यूमन ट्राइब से थे और मेरी माँ मॉन्स्टर रेस से थी, साथ ही मैं अपने एंसेस्टर के बारे में बढ़ा चढ़ाकर नहीं बताना चाहता, इसलिए मैं उनकी ट्राइब का नाम नहीं लूंगा क्योंकि मैं अपनी फैमिली की रिपोर्टेशन खराब नहीं करना चाहता, जिसके बाद मुझे अपने फादर का ह्यूमन ब्लड इनहेरिटेंस में मिला। मेरे जन्म लेने के बाद मुझे दूसरे लो लेवल के कॉन्टिनेंट में भेज दिया गया था, साथ ही मेरा बैड लक था कि मेरी जो फिजिक्स थी या कि बॉडी वो काफी ज्यादा अजीब थी, साथ ही मेरे मेरिडियन जन्म से ही अनबैलेंस थे और ये तो बिल्कुल एक मेरिकल था कि मैं बच गया, साथ ही अकेले रहते हुए मैंने काफी सारे स्किल्स को कल्टीवेट किया था, लेकिन ये सब कुछ फैमिली के रिसोर्सेज की बर्बादी थी। हालांकि इसी चक्कर में मुझे इस पूरे कॉन्टिनेंट की जर्नी करने में कैपेबल बना दिया गया था, साथ ही कोइंसिडेंट्स हुए कि मुझे काफी सारी चीजें मिली, साथ ही धीरे धीरे खोजते हुए मैंने खुद का एक कल्टीवेशन पाथ क्रिएट किया और खुद के कल्टीवेशन पाथ को बनाने के कारण मैं अपने इक्वल लेवल के लोगों से काफी ज्यादा स्ट्रांग हूँ, जिसके बाद डाउडी तक पहुँचने के बाद मैं डाउडी कॉन्टिनेंट में लौट आया, लेकिन इस टाइम तक मेरे मॉम डैड दोनों की डेथ हो गई थी। साथ ही मुझे जर्नी करने की आदत है, इसीलिए मैंने फैमिली में रुकना पसंद नहीं किया और मैं यहाँ चला आया, साथ ही मैं इस मेनलैंड में भटक रहा हूँ ताकि मैं भी एक दिन टैलेंटेड पर्सन की लिस्ट में एक बन जाऊं। साथ ही यहाँ पे घूमते हुए मुझे एक लड़की पसंद आई थी जो मुझे बेहद पसंद थी, साथ ही उसके साथ मैं काफी ज्यादा खुश भी था और सब कुछ अच्छा चल रहा था। और ऐसा कहते हुए जिंग बूचेन के चेहरे पे एक स्माइल आ जाती है जो केवल कुछ ही टाइम के अंदर होती है, जिसके बाद वो तुरंत ही कहता है, लेकिन मेरे जन्मदिन के अवसर के दिन सब कुछ पूरी तरीके से बदल गया क्योंकि उस टाइम पे मुझे डैंडिंग के बुरे थॉट के बारे में पता चला और उसके बाद आपको अंदाजा लगाने में कैपेबल होना चाहिए कि आगे क्या हुआ था। जिंग बूचेन की बात को सुनकर
और उसकी बातों पे उदासी को फील करके जॉन ने अंदाजा लगा लिया था कि जिंग बूचेन ने कितनी ज्यादा कड़वाहट फील की होगी। जिसके बाद जॉन कहता है, क्या तुम अपनी वाइफ को किसी और को ले जाने की नफरत को सहन कर सकते हो? मैं इसे बिल्कुल भी सहन नहीं कर सकता। जो देखकर जिंग बूचेन कहता है, बेशक मैं डैंडिंग को मार नहीं सकता, लेकिन मैं उसे इसकी कीमत चुकाने पर मजबूर जरूर कर दूंगा, भले ही मुझे अपनी जान जोखिम में क्यों न डालनी पड़ जाए। और ऐसा कहते हुए वो खुद की बेइज्जती करने लगता है। साथ ही वो कहता है, ये मेरा बैड लक था कि मैं वो नहीं हूँ, ना ही वो मेरी वाइफ है। साथ ही उसकी चॉइस है और वो अपनी चॉइस के साथ फ्री रह सकती है। साथ ही साथ बैड लक है कि चाहे वो पैसा हो या बैकग्राउंड, दोनों ही मामलों में डैंडिंग और मेरा कोई भी कंपैरिजन नहीं है। इसीलिए पावर और पैसे के कारण उसने डैंडिंग को चूज किया। साथ ही डैंडियन और मेरे विवाद के बाद मुझे मेरी फैमिली ने भी खुद से दूर करने के बारे में सोचा, क्योंकि वो लोग भी डैंडियन जैसे पावर हाउस के खिलाफ फाइट नहीं करना चाहते थे, और इस बात को मैं भी समझता हूँ। साथ ही मुझे उस टाइम पे ये भी नहीं पता था कि डैंडियन के रिस्पेक्टेड सेकंड सन ने वास्तव में मुझसे फ्रेंडशिप की थी, क्योंकि वास्तव में वो मेरी लवर को पसंद करता था। ये एक मजाक ही है। मुझे उस टाइम पे लगता था कि मैं एक टैलेंटेड पर्सन हूँ और मैंने डैंडिंग का दिल जीत लिया है। ये देखकर जॉन कहता है, तो क्या ऐसे ही जिंदगी भर इस चीज को बर्दाश्त करते हो उदास रहोगे? इस टाइम पे तो जॉन का दिल गुस्से से जल रहा होता है, क्योंकि जॉन ने फील कर लिया था कि जिंग बूचेन को कैसा लगा होगा। तभी जिंग बूचेन कहता है, यहाँ पे नाराज होना जरूरी है, लेकिन ये मेरी शैली नहीं है। साथ ही साथ अगर मैं कहूँ सच, तो ये केवल इतना है कि डैंडियन के सामने मेरा गुस्सा चट्टान में फेंके जाने वाले अंडे जैसा है, जिससे चट्टान को तो कुछ नहीं होगा, लेकिन अंडा ही डिस्ट्रॉय हो जाएगा। साथ ही जिंग बूचेन की जो आंखें होती है वो हेल्पलेस होती हैं, और इसके बाद वो तुरंत ही कहता है, मेरी लवर के सामने अपनी रेपुटेशन को बढ़ाने के लिए डैंडिंग ने मुझे नहीं मारा, या शायद मुझे हर दिन बेइज्जत करने के लिए उसने मुझे ऐसे ही छोड़ दिया। साथ ही उस दिन मैंने उदास होकर शहर को भी छोड़ दिया था। साथ ही साथ भले ही इतने साल बीत गए हों और भले ही वो लड़की मेरे प्यार के बिल्कुल लायक ना हो, लेकिन आखिरकार उसने मेरे लवर को मुझसे छीना है। इसके लिए उसे कुछ कीमत तो चुकानी होगी। इसीलिए मुझे पता चला किंगलिंग ब्लड क्लब, किलिंग ब्लड केव ओपन होने वाली है, जो कि मेरे लिए एक अच्छा चांस था, इसीलिए मैं यहाँ पे आया, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी। तभी जॉन कहता है, लेकिन आपको उम्मीद नहीं थी कि डैंडिंग के साथ उसकी एक्सट्रीमली टैलेंटेड सिस्टर भी यहाँ पे आएगी? और जंग बूचेन के भाग पे जॉन थोड़ा सा अफसोस जताता है, जिस पे जंग बूचेन भी कहता है, हाँ ये सही है। तभी जॉन कहता है, कोई बात नहीं, मुझे लगता है तुम्हारे पास अभी भी मौका है, क्योंकि आखिरकार यहाँ पे चाहे कोई भी हो, किसी भी टाइम पे उसका मरना पॉसिबल है। और ऐसा कहते हुए जिंग बूचेन को जॉन तसल्ली देता है, जिससे जिंग बूचेन भी ग्रेटफुल तरीके से जॉन की तरफ देखते हुए कहता है, आप सही कह रहे हैं, आपसे मिलना लक है या बैड लक ये तो मैं नहीं जानता, साथ ही मुझे नहीं पता कब तक मैं आपको प्रोटेक्ट कर सकता हूँ, या हो सकता है कि मेरे कारण आप लोग किसी प्रॉब्लम में पड़ जाएं, इसीलिए आप लोगों को अलर्ट रहना चाहिए। साथ ही स्टार्टिंग से ही जिंग बूचेन को लग रहा था कि जोयान और लॉन्गी उन दोनों को ही उसकी प्रोटेक्शन की जरूरत है, इसीलिए वो उन दोनों को बचाएगा, ऐसा उसने कमिटमेंट ले ली थी। बंदे को नहीं पता बाप के सामने बकचोदी कर रहा है भाई, वो बंदा अकेले 50,000 लोगों की लंका लगा सकता है। साथ ही उसे लॉन्गी और जोयान स्ट्रांग नहीं लगते थे, लेकिन उसे टैलेंटेड लगते थे। जिसके बाद बूचेंग कहता है, वैसे आप लोग किस पावरफुल पावर हाउस से बिलोंग करते हैं? आप लोग को देखते हुए ऐसा लगता है आप किसी पावरफुल क्लेन से बिलोंग तो नहीं करते। जिससे जॉन कहता है, वो एक मिस्टीरियस क्लेन है। तभी जॉन कहता है, वैसे तो अपने क्लेन से बाहर आने के बाद कहाँ पे हो? जिस पर वो कहता है, हालांकि मैंने भी यहाँ पे एक मिस्टीरियस क्लेन ज्वाइन किया था, लेकिन मैं तुम्हें उस अलायंस के बारे में कुछ भी नहीं बता सकता। मुझे पता है तुम क्यूरियस हो, लेकिन मुझे माफ करना। और इसी के साथ ये एपिसोड अब मैं यहीं पे एंड करूंगा, और मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट एपिसोड पे, जिसपे हम देखेंगे एल्यूजन की जर्नी का नेक्स्ट एपिसोड, जहाँ क्या होता है, क्या जिंग बूचेन का बदला जॉन लेवा पाएगा या कुछ नहीं कर पाएगा, और क्या होगा क्या नहीं होगा, ये तो अब नेक्स्ट एपिसोड पे ही पता चलने वाला है। तो टाटा बाय बाय, और नेक्स्ट एपिसोड आएगा या नहीं आएगा मुझे नहीं पता।